लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये काम में आप लोगों ने क्या रोकड़ा ले लिया क्या? अमृत योजना के काम में क्यों कोई लीडर आवाज़ नहीं उठा रहा है? टाइम काम नहीं लेंगे, टाइम अभी आपको चलना पड़ेगा, अभी जैसी भी लगा जब उठेंगे, नहीं तो हम लोग उठेंगे नहीं, कुछ भी कर लो टाइम नहीं लेंगे, कितनी मात्रा में बैठा दीजिए टाइम नहीं बुला उसको अभी अभी जैसी भी लगा अभी टाइम टाइम हम नहीं लेंगे, हम टाइम मिलेंगे अभी नहीं ये समझिए आपकी माँ बहन बेटी बहुए और बाप भाई रहते हैं एकदम आपको दिल पे हाथ रखे भगवान को साक्षी मान के आपको सच बात करना है झूठ बात नहीं करना है सबको नमस्कार। ये बात बिल्कुल सही जो आपने बोला कि औरत को ही पूरा लोड लेना पड़ता है, जो पानी फील करना है और आप तो अपंग है या कोई बुजुर्ग रहेगा घर में तो सब उसी को ही करना पड़ता है। औरत को और दूसरे भी लोगों को बहुत तकलीफ होता है पानी की वजह से। मेरा भी मैं खुद से ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे एक दिन पानी नहीं आया तो इतना इशू हो जाता है कि मतलब उनका पोटी जी उनका कपड़ा पूरा वैसे बिखरा रहता है घर में। तो इसलिए ये जेन्युइन बात है कि औरत को ही वो फेस करना पड़ता है, हर एक घर में ये बात सही है। लेकिन जो ये इंजीनियर ने मुझे अभी बताया कि कॉरपोरेशन लेवल पे हम इसके बारे में प्रस्ताव मंजूर करने के लिए रखेंगे और जल्दी से जल्दी जो अभी लो प्रेशर से पानी आ रहा है और बहुत कम पानी आ रहा है वह जल्दी से जल्दी हाई प्रेशर से पानी की योजना बनाएंगे और वो मंजूरी लेके कमिश्नर सर के थ्रू हम जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ उपाय इस चीज के ऊपर ढूंढेंगे। ये मैं आपको आश्वासित करती हूँ और कमिश्नर सर से मैं इस बारे में जल्दी बात करती हूँ कि ये बहुत जेन्युइन रीजन है कि औरत लोगों को ये फेस करना पड़ रहा है और मोहल्ले में पानी आएगा तो वहाँ पे साफ सफाई और गंदगी भी नहीं मचेगी, ये भी एक कारण है कि रोगराई वगैरह नहीं फैलेगी। फाइनल फैसला ये हुआ है कमिश्नर साहब ने नासिक से आपने उन्होंने फ़ोन पर हम लोगों को ऐसा आश्वासन दिया है कि जो सर्वे नंबर 114 है जहां पर मुफ्ती साहब के फंड से रोड बनने वाला है तो वो रोड बनने से पहले पहले इंशाल्लाह वो पानी की पाइपलाइन का काम करवा देंगे। 112 में भी यही सिचुएशन है। 111 6 और सर्वे नंबर 112 दारुलतामा के पीछे का जो एरिया है वहाँ पर भी मेंटेनेंस के ज़रिए वो काम हो सकता है तो कल वो काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और रही बात उम्मीद स्कूल के पीछे की, उम्मीद स्कूल के पीछे की जो क्वांटिटी बढ़ाकर वो काम भी पाया तकमील तक पहुँचाने का काम कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है।